Am audible? Yes, Namita Gaukar, Priya Shukla. Yes, sir. Okay. Wait one or two minutes. Join for all students. And please say, all students, please join the AI class. इस बार जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम है है वो ऑफलाइन ऑफलाइन होगी क्या मे हो सकती है. आप लोगों को जो भी स्टडी आप लोग कर रहे हो जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो आ, अपने घर में बैठ करके तो आप ऑफलाइन के बारे में ही सोच के चलिए ठीक है हम लोग ऑनलाइन की तैयारी ज्यादा फास्ट कर सकते हैं लेकिन ऑफलाइन की तैयारी हम लोग उतना फास्टली नहीं कर सकते इसलिए आप लोगों को रेगुलर क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा रेगुलर क्लासेस और रेगुलर टॉपिक्स आप लोगों को जब समझेंगे तब जा करके आप लोग उसको अच्छे से अचीव कर पाओगे तो मे भी ऑफलाइन हो सकता है क्योंकि देखो स्कूल और कॉलेजेस ओपन हो जा रहे हैं। तो अभी लास्ट यानी कि ये आज की ही तारीख से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि स्कूल्स ओपन किए जाएंगे महाराष्ट्र के ठीक है इवन मुंबई के जो स्कूल्स है वो आठ तारीख से ओपन किए जा रहे हैं ठीक है सर yes, वही मतलब एग्जाम ऑफलाइन होगी हो ऑनलाइन हाँ तो ये प्लीज सभी लोग कंसिडर करके चले सभी स्टूडेंट्स की अपनी एग्जाम जो है वो ऑफलाइन हो सकती है हर बार के तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन का चांस नहीं मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम बहुत हार्ड है अगर देखा जाए तो लेकिन आप वो एग्जाम कहाँ से दे रहे हो कहाँ से कंडक्ट कर रहे हो अपने घर से कर रहे हो इसलिए आप लोगों को वो इजी लग रही है क्योंकि उसमें मे भी कुछ स्टूडेंट है जो चीटिंग कर रहे हैं ठीक है ना उतना मॉनिटरिंग नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी का तो वो हर बार की तरीके से नहीं रहेगा वो पेंडामिक सिचुएशन थी और अगर थोड़ा कम होते जा रहा है तो फिर वो जरूर ऑफलाइन एग्जाम ही लेंगे आप लोग जो भी स्टडी कर रहे हो ऑफलाइन के हिसाब से करो अपने नोट्स क्रिएट करो ठीक है और जो जो जिस जिस तरीके से क्लासेस धीरे 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 हो रहे हैं उस तरीके से आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है ओके okay? सर हमारे भी कॉलेज खुलने के चांसेस है क्या बिल्कुल बिल्कुल चांसेस है क्योंकि अभी देखो एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएंगे तो फिजिकली तो उनको आके एडमिशन करना ही होगा ऑनलाइन तो एडमिशन करेंगे नहीं हो सकता है कि इवन और ऑट डे में करें लेकिन धीरे धीरे तो क्लासेस यानी कॉलेजेस चालू कर देंगे ओपन हो जाएंगे बट कुछ अभी भी गवर्नमेंट के डिसीजन है उनको फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा ऐसा है लास्ट लेक्चर अटेंड किया था आप लोगों ने यस yes? लास्ट लेक्चर अटेंड किया था आप लोगों ने वै स्टडी इन द लास्ट लेक्चर सर ए स्टार एल्गोरिथम ओके गुड हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ए स्टार एल्गोरिथम को स्टडी किया था ठीक है और साथ ही साथ में एओस्टार अल्गोरिदम को भी स्टडी किया था ठीक है इट इज अन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटेजी अल्गोरिदम ओके यूजिंग द ह्यूरिस्टिक वैल्यू यूजिंग द ह्यूरिस्टिक वैल्यू एंड देन सॉल्व द ऑप्टिमल पाथ एंड देन सॉल्व एंड फाइंड द ऑप्टिमल पाथ सो टुडे वी विल टीच अ न्यू टॉपिक कंस्टेंट सैटिस्फेक्शन प्रॉब्लम सो constraint satisfaction problem as I originally defined in artificial intelligence constraint enumerate the possible values a set of variable may take in given words in other words a solution is a way for assigning a value to each variable in such a way that all constraint are satisfied by this value so what is the meaning of constraint

So, what is the crypt arithmetic? Crypt arithmetic problem is a type of constant satisfaction problem where the game is about digits and its unique replacement either with alphabet or other symbols. In crypt arithmetic problem, the digit is 0 to 9. Okay, take a 0 to 9, gets substituted by some possible alphabet or symbols. So who invented the crypt arithmetic?

थ्री फोर फाइव ओके तो एक्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर पा रहे लेकिन इसके कुछ रूल्स है जो मैं आपको बताऊंगा <coughs> किस तरीके से हम इसको फॉलो करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एवरी कैरेक्टर और लेटर मस्ट हैव अ यूनिक एंड डिस्टिनिक वैल्यू ओके डिस्टिंग वैल्यू द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर और लेटर कैन नॉट बी चेंज एंड शुड रिमेन सम थ्रू आउट देन

पर अगर वो फुलफिल हो रहा है तो वो एट की वैल्यू एटी रहेंगे वो चेंज नहीं होती है ठीक है हम चेंज करने का तरीका ढूंढते हैं क्योंकि उसको करना होता है हमको प्रॉब्लम को देन फिफ्थ रूल इज एडिशन ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इवन देन अगेन रूल इज इन केस ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर इफ देयर इज कैरी देन द कैरी कैन ओनली बी वन एंड लास्ट वन इज वंस ऑल द कैरेक्टर later are replaced with number arithmetic operation must be correct okay so now let us learn all these rules with the help of an example like that uh, same example are given send plus more okay send plus more ओके सभी को स्क्रीन दिख रही है यस सभी को स्क्रीन दिख रही है यस सर तो हाउ टू सॉल्व द दिस एग्जांपल एडिशन ऑफ सेंड प्लस मोर इज इक्वल टू मनी तो हाउ टू सॉल्व तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल्स ओके लाइक दैट एम और ओ इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल सिंबॉ सिग्निफिकेंट सिंबल इज सिंब वाईन ओके लेफ्ट साइड से हम जो स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट और राइट right साइड से जो होता है हमारा वो होता है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बेट ओके तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं कि यस प्लस एम ये दो सिम्बॉल को जब हम एड करते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए कौन सी ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिससे कैरी जनरेट हो जिससे क्या जनरेट होना चाहिए कैरी जनरेट होना चाहिए तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये ये दो जो numbers है, कि yes plus m ये जो कि दोनों एडिशन से कैरी जनरेट होना चाहिए गॉट इट डिसन ये समझ रहा है आप लोगों को ध्यान दो हम थ्री प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड और नो में तो भी आंसर कीजिए ओके कि यहाँ पर के जो लेफ्ट साइड में जो है यानी कि यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल जो है उन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो जो भी नंबर जनरेट होंगे साथ ही साथ कैरी जनरेट होना चाहिए तो मैं एज्यूम करता हूं मान के चलो एम इज इक्वल टू वन देखो मैं यहां पर वैल्यू इसको इंसर्ट करते जा रहा हूं मैंने सेम बॉक्सेस लिए है एम इज इक्वल टू वन एस इज इक्वल टू मैं कितना रख सकता हूं अगर मान के चलो मैंने रख दिया, तो क्या कैरी जनरेट होगा जनरेट द कैरी एंड कैरी जनरेटेड इज वन एटलीस्ट वन टू भी जनरेट हो सकता है थ्री भी जनरेट हो सकता है लेकिन एटलीस्ट वन ठीक है तो एज पर द रूल मैंने उसको कंसिडर किया कि वो वन कैरी हो रहा है यानी कि एम जो नंबर है वो वन है ओके गॉट इट दिस पॉइंट देन अगेन मैं ये दोनों सिंबल को यहां पर एड कर रहा हूं एस प्लस एम तो यहां पर मैंने एम को तो पहले ही वन कंसिडर किया था तो मैंने यहां पर एक नंबर लिया एट लेकिन क्या वो सेटिस्फाइड हो रहा है कंस्टेंट सेटिस्फाइड हो रहा है नो no. अगर मैं यहां पर एन एन की एस की जगह नाइन ले लेता हूं तो सेटिस्फाइड होता है नाइन प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है टेन टेन का जीरो एंड कैरी वन ओके नाइन प्लस वन इज इक्वल टू टेन एंड कैरी वन दिस पॉइंट यहां तक समझा यस सर. अब क्या होगा कि यहां पर अगर एक बार जीरो की वैल्यू अगर मेरी सॉरी ओ की वैल्यू अगर मेरी जीरो आती है तो यहां पर मुझे एक बार ओ फिर से दिख रहा है तो यहां पर मैं पुट क्या कर सकता हूं कि जीरो वैल्यू पुट कर सकता हूं दिस पॉइंट कि यहां पर मैं जीरो वैल्यू पुट कर सकता हूं अब मुझे क्या सर्च करना है कि ई की वैल्यू क्या रहेंगी जब मैं यहां पर जीरो सर्च कर रहा हूं देखो यहां पर मैंने जैसे ही जीरो कंसिडर कर लिया है ठीक है ओ की वैल्यू क्या होगी मेरी यहां पर अगर जीरो होती है तो मैं ये सभी जो वैल्यूज होती है उसको मैं क्या करता हूं कि ओ में अब फिलहाल ये जो वैल्यूज मैं देखो यहाँ पर कलरफुल कर रहा हूं यहाँ का कॉलम और यहाँ का रोज जो है मैंने उसको रेड कर दिया है कि जीरो वैल्यू किसको असाइन हो गई है ओ को असाइन हो गई है ठीक ठीक है जीरो वैल्यू असाइन ओ इसको मैं ग्रीन कलर से कर लेता हूँ एंड एम वैल्यू इज असाइन टू वन एम वैल्यू किसने असाइन किया है वन ने किया है तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ और आगे की वैल्यू को भी मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ यानी कि हमको ये समझने के लिए मैंने ये आप मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है जैसे कि यह सिम्बॉल्स e, e, है एस ई एंड डी एम ओ आर ई ये सभी सिम्बॉल्स है रिपीटेड सिंबॉल्स को लेना नहीं है और उसके आगे में जीरो टू तो नाइन हमारे नंबर जो है वो फुट करने है और ये कंसिडर करना है कि एक बार जो कंसिडर हो जाता है वो नंबर फिर हम यूज नहीं करेंगे मान के चलो यहाँ पर एस को हमने यहाँ पर नाइन यूज किया था बराबर यहाँ पर मैं एक अनदर कलर का यूज करता हूँ तो यहां पर ये जो नाइन जो नंबर है वो यूज नहीं होंगे और एस की ये जो रो है वहां पर अब नंबर यूज नहीं होगा नाइन नंबर हम लोगों ने क्या किया है यूज कर लिया है ठीक है इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं उसको कंसीडरेशन करते हैं अभी हमारे पास कौन से कौन से नंबर है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नंबर है जिसका हम लोग यहां पर यूज कर सकते तो वॉट इज द नंबर ऑफ ई वॉट इज द नंबर ऑफ ई Just, हम लोग यहां पर यूज करके देख सकते हैं सिक्स इफ अगर मैं यहां पर सिक्स यूज करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी सिक्स यानी कि एन की वैल्यू क्या हो जाएंगी सिक्स इसका मतलब क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू इफ अगर एन इज इक्वल टू सिक्स होता है और यहां पर मैं सिक्स की वैल्यू यूज करता हूं तो सिक्स के भी रो और कॉलम को मैं क्या करता हूं यानी कि ई e के रो और कॉलम के हिसाब से मैं इस सिक्स वैल्यू को क्या कर सकता हूं कंसिडर नहीं करता हूं सो so, टेक अगेन तो इफ अगर मैं ई e की वैल्यू को सिक्स कंसिडर करता हूं तो एन की वैल्यू सिक्स हो सकती है क्या यस yes. मुझे एक यूनिक नंबर चाहिए यानी कि मैं ई e को सिक्स यहां पे कंसिडर नहीं कर सकता Got it? इट point. समझ रहे आप लोगों को कि मैंने यहां पर क्या किया ई e की वैल्यू को क्या कंसिडर किया सिक्स सिक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू सिक्स तो, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है एन लिखा हुआ है तो यहां पर मुझे बताओ यहां पर भी सिक्स आ गया यहां पर भी सिक्स आ गया तो ये जो नंबर है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो रहा है तो मैं यहां पर एक अनदर नंबर यूज करता हूं फाइव नंबर यूज करता हूं ठीक है अब मैंने ई की जगह पर क्या यूज किया फाइव नंबर यूज करके देखा तो फाइव नंबर यूज करने से यहां पर भी मेरा नंबर क्या आ रहा है फाइव आ रहा है ठीक है यहां पर भी मेरा नंबर क्या आ रहा है फाइव आ रहा है ठीक है तो मेरी एन की वैल्यू भी क्या हो रही है अभी फाइव हो रही है और यहां पर भी फाइव हो रही है देखो यहां पर इसका मतलब ये भी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि यहां से कोई नंबर हम लोग चेंज कर सकते हैं मान के चलो मैं डी का जो वैल्यू है वो सेवन रखता हूं और ई e की वैल्यू अगर फाइव रखता हूँ तो देखते हैं कि यहां पर कुछ कैरी जनरेट होता है क्या तो सेवन प्लस फाइव इज इक्वल टू इलेवन ओके okay? तो यहाँ पर कैरी जनरेट होता है यहाँ पर एक कैरी जनरेट होता है बराबर है। और अभी भी मेरे पास कौन से कौन से नंबर है e को 5 कर दिया है, अभी भी एन को फाइव नंबर असाइन हुआ है टेम्प्री वो मुझे चेंज करना है मान के चलो मैं एन के वैल्यू को सिक्स कंसिडर करता हूँ ठीक है एन के वैल्यू को सिक्स कंसिडर करता हूँ तो सेवन प्लस फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व कैरी वन तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा यस yes? कौन सा नंबर हम लोग यहाँ पर असाइन कर सकते हैं जिससे कैरी जनरेट हो जिससे कैरी जनरेट हो तो सिक्स प्लस सेवन तो ऑलरेडी यूज हो गया six plus nine already हुआ, six plus eight है सिक्स प्लस एट करते हैं तो जब मैं एट नंबर यूज करता हूं तो देखो सिक्स प्लस एट कितना होता है सिक्स प्लस एट फोर्टीन ओके तो यहां पर मेरा जो नंबर है मैं ये यूज करता हूं फोर्टीन तो फोर नंबर इज नॉट रिपीटेड ओके तो यहां पर एक चेंज और आ रहा है यहां पर एक नंबर और आ रहा है कि जो नंबर है हमारा वो यहां पर पूरी तरीके से सैटिस्फाइड नहीं हो रहा है क्योंकि की वैल्यू पाए कंसिडर किया है यहां पर भी की वैल्यू पाए कंसिडर किया है ठीक है तो अगेन यहां पर मैं क्या चेंज कर सकता हूं यहां पे एक नंबर और कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि फोर कंसिडर करते हैं और अगर मैं यहां पर फोर कंसिडर करता हूं तो भी गलत हो जाएगा पाई को ही रखना पड़ेगा क्योंकि वन नंबर फिर से जनरेट हो जाएगा ठीक है हम्म गोट इट दिस पॉइंट अगेन सेवन प्लस आह इज इक्वल टू ट्वेल देन कैरी वन जनरेटेड ओके तो यहां पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी फाइव आ जाएंगे ओके okay? कैरी को हम कंसीडर करेंगे सिक्स प्लस आईटी इज � 14 plus 1, 15, okay? this point? आप समझ में आ रहा है कि देखो पर पर और तो हमारा ये आंसर सेटिस्फाइड होता है और देखो यहाँ पे सभी का यूनिक वैल्यू यहाँ पर आ रहा है ये समझ रहा है मैंने कैसे किया इसको सबसे पहले मुझे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उस वैल्यू को कंसिडर करना है कि वो अगर कैरी है तो हमारा बहुत सा काम जो है आसान हो जाता है क्योंकि हम उसको कंसिडर करते हैं वन कंसिडर करते हैं देन अगेन जहां जहां पर वो सिंबल है वहां पर हम लोग वो वैल्यू पुट कर सकते हैं अभी यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो यूनिक नहीं है यहाँ पे सभी वैल्यू यूनिक्स है और रिपीटेड नहीं हो रहा है एन की वैल्यू सिक्स हो गई है आर की वैल्यू एट हो गई है इ की वैल्यू देखो यहाँ पर भी पाए है यहाँ पर भी पाए है और यहाँ पर भी रिपीटेड देखो ई की वैल्यू यहाँ पर भी है ई का सिंबॉल यहाँ पर भी है और नीचे इज इक्वल टू के बाद में भी हमारा यहाँ पर रिजल्ट में ई का सिंबॉल है तो हमारी ये वैल्यू आ रही है समझ में आ रहा है ये क्रिप्ट अरेथमेटिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है यूनिवर्सिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है और नियर अबाउट सिक्स टू सेवन मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिप्ट अरेथमेटिक कंस्टेंट

वो वन कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज ओ इज अ अ कैरी 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 ओ इज अम्बॉल्स ओके देन लेफ्ट साइड में अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर क्या होता है जी प्लस टी यानी कि जी और टी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे कैरी जनरेट होना चाहिए तो जी की वैल्यू क्या हो सकती है यस yes. जी की वैल्यू क्या होंगी मान के चलो मैं उसको नाइन ही कंसिडर कर लेता हूं और U की वैल्यू अगर मैं या फिर T की वैल्यू मैं टू कंसिडर करता हूं तो कैरी जनरेट हो सकता है हो सकता है या नहीं नाइन प्लस टू इज इक्वल टू इलेवन तो इलेवन जब आएगा यहां पर देखो यहां पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं एक बार मैं नंबर्स पहले सेट कर लेते हैं ओके गॉट इट हाँ अब मुझे बताओ यहाँ पे मैंने जी की वैल्यू क्या रख ली है नाइन और टी की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ टू तो यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिलता है टीलेवन मिलता है और मैंने पहले ही ओ को क्या कंसिडर किया था वन कंसिडर किया था यानी कि ये वैल्यू मैं मान के चलो एट रख देता हूँ तो एट प्लस टू कितना हो जाता है टेन हो जाता है एट प्लस टू कितना हो जाता है टेन हो जाता है अब मैंने ओ की वैल्यू कितनी रखी थी पहले कंसिडर क्या किया था मैंने वन कंसिडर किया था ओके okay? तो यहां पर भी मेरी क्या वैल्यू रहेंगी देखो यहां पर ओ की वैल्यू क्या रहेंगी वन एंड अगेन वन ओके बिकॉज बोथ आर ओ तो यहां पर टी की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है टू मिल रही है देखो तो यहां पर टी की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है टू मिल रही है यस गॉट इट दिस पॉइंट इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टेटी ये समझा बेटा आप सभी लोगों को कि यहाँ पे uh, u की वैल्यू जीरो आ रही है t e की वैल्यू टू आ रही है देन अगेन o की वैल्यू वन एंड g की वैल्यू एट कंसिडर किया हमने ठीक है तो इस तरीके से हमको कंसिडर करना है इन दिस क्रिप्ट अरेथमेटिक प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व इट यहां तक समझा सभी को यस नो सर रिपीट सर रिपीट करिए नहीं एक बार मैं रिपीट करता हूं इस चीज को ही पूरा रिपीट करता हूँ मैं एक बार रिपीट करता हूँ देखो यहाँ पर इससे पहले वाला एग्जाम्पल रिपीट ठीक है ओके थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आप लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये जो मैट्रिक्स है वो मैंने इसलिए दिया हुआ है कि यहाँ पर जब हम किसी एक सिंबल को एक वैल्यू कंसीडर करते हैं तो वो वैल्यू उसके लिए यूनिक नंबर हो जाता है और बाद में वो नंबर किसी और को असाइन नहीं हो सकता है ओके okay? तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है क्रिप्टो अरेथमेटिक सेंड प्लस मोर इज इक्वल टू मनी ठीक है इस तरीके से प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है ठीक है और वो प्रॉब्लम जो है सिक्स टू सेवन मार्क के लिए पूछा जाता है अब सबसे पहले ये देखेंगे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल कौन सा है हमारा एम

कि हम नियर अबाउट भी पहुंचते हैं मैं टू भी एजूम कर सकता हूं लेकिन क्या है कि बहुत बड़ी वैल्यू को मैं ऐड नहीं कर रहा हूं मैं जीरो टू नाइन तक की वैल्यू ऐड कर रहा हूं तो जब मैं जीरो टू नाइन तक की वैल्यू ऐड करता हूं तो मिनिमम मुझे नाइन प्लस नाइन तो मैं ऐड ही नहीं कर सकता नाइन प्लस एट कर सकता हूं नाइन प्लस सेवन कर सकता हूँ बट इट डिस कर सकता हूं नाइन प्लस फोर कर सकता हूं तो नाइन के साथ मैं नाइन को ऐड नहीं कर सकता बराबर है ठीक है क्योंकि सिचुएशंस वैसे नहीं आएंगी तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर मैं एम को अगर मैं वन कंसिडर करके चलता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक वैल्यू और मिल जाती है यहां पर देखो एम की वैल्यू क्या होंगी फिर वन हो जाएंगे और मैंने यहाँ पे देखो तब सबसे पहले मैंने क्या किया एस की वैल्यू को नाइन कंसिडर किया क्योंकि मुझे कंसिडर करना होगा जब मैं नाइन कंसिडर करता हूँ ठीक है या मान के चलो मैं एट कंसिडर करता हूं मैं रॉन्ग वे से भी दिखा रहा हूं आपको करके कि मैं एट कंसिडर करता हूं तो एट प्लस वन क्या हो जाएगा यहां पे नाइन आ जाएगा यानी कि ओ की वैल्यू क्या आ जाएंगी नाइन आ जाएंगी अगर यहां नाइन आ गया तो यहां पर मुझे इनडायरेक्टली मुझे यहां पर नाइन वैल्यू लेनी पड़ेगी बराबर है तो इस तरीके से मेरा आंसर अगर राइट right आता है तो मुझे राइट right की तरफ जाना होगा इस तरीके से हमको पजल सॉल्व करने पड़ते हैं ठीक है तो मैंने यहां पर क्या लिया था वैल्यू नाइन लिया था तो नाइन प्लस टेन क्या होता है नाइन प्लस वन इज इक्वल टू टेन तो टेन का क्या आ रहा है जीरो आ रहा है क्या रहा है? 0 आ रहा है जीरो आ रहा है बराबर है और एट की वैल्यू अगर मैं लेता हूं तो एट प्लस वन नाइन आता है तो नाइन अगर यहां पर मैं एट लेता हूं तो यहां पर क्या जनरेट हो रहा है कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है बराबर है इसीलिए मैंने यहां पर नाइन वैल्यू लिया सबसे पहले तो यहां पर क्या हो रहा है कैरी जनरेट हो रहा है सोल्व हाफ प्रॉब्लम यहां पर अपना कितना प्रॉब्लम सोल्व हुआ हाफ प्रॉब्लम सोल्व हो गया है देन देखो यहां पर जीरो रिपीटेड हो रहा है तो यहां पर वैल्यू क्या मैं पुट अप करूंगा जीरो को पुट करूंगा यहाँ तक समझा सभी को यस एनी वन है धनश्री अक्षय एकता गायत्री हाँ, कुशिका वट इट दिस पॉइंट बेटा यहाँ तक समझा बहुत ही ईजी है कि किस तरीके से वैल्यू को पुटअप करना है बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है ठीक है देन अगेन आई विल पुट द ई वैल्यू अब ई e की वैल्यू में रखता हूं मान के चलो मैं सिक्स रखता हूं तो यहां पर आंसर क्या बनेगा सिक्स यहां का आंसर क्या बनेगा सिक्स बराबर है देखो अपने आप यहां पर मेरी वैल्यू पुट अप हो रही है N की भी six, N की की वैल्यू 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 भी 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 और e की भी तो यहां पर मुझे रॉन्ग इसलिए लग रहा है कि ई e और एन की वैल्यू तो सिक्स नहीं रख सकती बराबर है और अगर मैं यहाँ सिक्स अप करता हूं तो मेरी वैल्यू यहाँ पर सिक्स ही होंगी तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सिक्स तो रहना ही नहीं चाहिए तो मैं यहाँ की वैल्यू को क्या करता हूँ मान के चलो मैंने फाइव कंसिडर किया तो अभी भी फिलहाल यहाँ पर फाइव है और यहाँ पर भी फाइव आ रहा है देखो यहाँ पर यानी बार बार मैं ये प्रोसीजर करने के बाद में मेरी वही वैल्यू एन को रिप्लेस हो रही है ई की वैल्यू सेम एन को रिप्लेस हो रही है तो यहां पर मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा और अपनी वैल्यू को इधर से चेंज करना होगा मान के चलो मैं डी की वैल्यू को कंसिडर करता हूँ सेवन अगर मैं सेवन कंसिडर करता हूं और ई की वैल्यू को मैं फाइव कंसिडर करता हूं तो क्या होता है फाइव प्लस क्योंकि मुझे यहाँ की वैल्यू चेंज करना है मतलब मुझे यहाँ पर कैरी जनरेट करना होगा बराबर है यहाँ पर कोई और वैल्यू अगर मुझे लानी है तो मुझे कैरी जनरेट करना होगा तो सेवन प्लस इज टू क्या होते हैं ट्वेल्व ट्वेल्व का कैरी वन होता है यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने कैरी वन कंसिडर किया है तो यहाँ पर मैं कौन सी वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ आर की वैल्यू मान के चलो मैंने एट वैल्यू पुटअप कर दी ठीक है एट वैल्यू पुटअप कर दी और यहां पर मैंने सिक्स वैल्यू पुटअप कर दी तो सिक्स प्लस एट कितना होता है 14 plus carry 1, 15. देखो पर मेरा satisfied answer बन रहा है। ई e की वैल्यू वैल्यू e यहाँ पर भी 5 satisfied हो रही है और e की वैल्यू यहाँ पर भी satisfied हो रही है तो फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स कैरी जनरेट हुआ है देखो यहाँ पर सिक्स प्लस एटीन एट फोर्टीन फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन देन जनरेट द कैरी तो फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स यहां पर कैरी जनरेट हो रहा है बराबर है ठीक है कैरी कहां पे जनरेट हो रहा है यहां पर कैरी जनरेट हो रहा है ठीक है और यहां पर भी कैरी जनरेट हो रहा है और यहां पर भी कैरी जनरेट हो रहा है सॉरी ठीक है यहां पर भी इस तरीके से हमारे कैरी जनरेट हो रहे हैं वॉट इट दिस पॉइंट ये समझ में आ रहा है यस yes? आप समझा बेटा यस और नो यस हाँ अभी भी कंफ्यूज है तो चलो आगे बढ़ते हैं एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यहां पर देखो हियर इज इक्वल टू कम माइनस शी ठीक है कम्स माइनस सी अगर ये एग्जांपल को हम लोग क्या करेंगे अब आप बोलोगे कि सर इसको माइनस कैसे करने का ठीक है अभी तक तो हम आपने हम मुझे प्लस बताया तो हम क्या कर सकते हैं उसको सेट कर सकते हैं सी को मैं अगर इधर लेके जाता हूँ लेफ्ट की तरफ टर्न करता हूँ तो क्या हो जाता है वो हियर प्लस सी इज इक्वल टू कम्स हो जाता है हियर प्लस सी इज इक्वल टू कम्स अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे कैरी कौन सा सिंबल दिख रहा है अभी सब लोग सॉल्व करेंगे हाँ वन बाय वन बताएंगे मुझे सी की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुटअप करूंगा यस एनी वन बताओ सी की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुटअप करूंगा यस वन वन गुड वाय बिकॉज दिस सिंबॉल इज कैरी जनरेटेड नंबर ठीक है यहाँ पर कैरी जनरेट हो रहा है अब सी की वैल्यू फिर से यहाँ पर कहीं पर मिल रही है क्या नहीं मिल रही है मतलब हम लोग अभी हेल्पलेस है बराबर है सी की वैल्यू यहाँ पर नहीं है सी सिंबल डबल रिपीटेड नहीं हो रहा है इसलिए हमारा अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे बट एज की वैल्यू क्या रहेंगी एज की वैल्यू को इस तरीके से कंसिडर करो कि यहाँ पर कैरी जनरेट हो जाए यहाँ पर कैरी जनरेट हो जाए तो एज की वैल्यू में सबसे बिग वैल्यू को कंसिडर करता हूँ uh, मान के चलो मैं इसको नाइन कंसीडर करता हूं जबकि यहाँ पर कोई सिंबल तो है नहीं अभी बराबर है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए ओ की वैल्यू क्या आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए बराबर है देखो हर बार देखो यहाँ पर ओ की वैल्यू यहाँ पर जीरो यानी कि ये जो सेकंड सिंबल है वो जीरो इसलिए ला रहा हूं मैं कि यहां पर कैरी जनरेट होना चाहिए तो नाइन प्लस यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए मतलब यहाँ पर वन कैरी जनरेट होना चाहिए तब जाकर यहाँ पर टेन आएगा तब जाकर यहाँ पर टेन की वैल्यू आएंगी बराबर है यहाँ पे देखो मैं कैरी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि यहां पर वन आना चाहिए ये कैरी साइड है मेरा ऊपर का जो साइड है वो कैरी साइड है तो यहां पर वन आनी चाहिए वैल्यू तो अब मुझे बताओ ई e की वैल्यू क्या रहेगी? रहेंगीनी वन ई की वैल्यू क्या रह सकती है या एस की वैल्यू क्या रहेगी? बताओ और यहां पर एक है कि E प्लस ई इज इक्वल टू एस देखो यहां पर E प्लस ई इज इक्वल टू एस की वैल्यू आ रही है तो मान के चलो मैं यहां पर फोर कंसिडर करता हूँ यहां पर फोर कंसिडर करता हूं तो S की वैल्यू मेरी क्या आती है एट आती है तो मैं अगर यहां पर एट कंसिडर करता हूं ठीक है तो यहां पर ऑटोमेटिक मेरे पास फोर वैल्यू मिलती है तो भी मेरा कैरी जनरेट होता है यानी कि 4 plus 8 is equal to कितना हो गया ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व हो होने के बाद देखो यहां पर कैरी जनरेट हो रहा है ठीक है और नाइन प्लस वन इज इक्वल टू टेन एंड कैरी वन तो यहां पर मैं सेटिस्फाइड होता हूँ ठीक है अभी मैं यहां तक सेटिस्फाइड हूँ यहां पर भी मेरा सेटिस्फाइड आंसर आ रहा है फोर प्लस फोर Is equal to eight. S की वैल्यू भी एट मैंने कंसिडर की अब आर की वैल्यू क्या कंसिडर कर सकते हैं यस yes. और एच की वैल्यू देखो यहाँ पे आपने नाइन कंसिडर की तो यहाँ पर नाइन वैल्यू रख सकते हैं हम लोग तो आर के पास कौन सी वैल्यू बच सकती है सिक्स है फाइव uh, है अभी भी हमारे पास रिमेनिंग कौन सी कौन सी वैल्यू है सिक्स है फाइव है सेवन है ठीक है ओके मैं मान के चलो फाइव कंसिडर करता हूं तो फाइव प्लस नाइन कितना होता है 14, बोलो फोर्टीन फोर्टीन के बाद में यहां पर क्या आता है वन कैरी यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है कैरी जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर जो m की वैल्यू टू थी वो चेंज हो जाएंगी यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी यानी क्या हो जाएगा नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर एट प्लस फोर प्लस वन थर्टीन थर्टीन देन कैरी वन जनरेट द कैरी वन देखो यहाँ पर मेरा आंसर यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है ठीक है यहां पर मेरा आंसर क्या होता है? होता है यहाँ पर भी कैरी वन जनरेट होता है ठीक है और यहां का वन का वन आ गया इट दिस पॉइंट वन किस तरीके से सॉल्व किया हमने प्रॉब्लम को तो? कि सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द कैरी सिंबल वैल्यू कैरी सिंबल वैल्यू असाइन द कैरी सिंबल वैल्यू इज वन देन अगेन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम लोग ऐड करेंगे बट कैरी जनरेट करना होगा इसलिए यहाँ की वैल्यू जो है बिगर वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं बिगर डिजिट हम लोग कंसिडर करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे नाइन किया था बट नाइन प्लस कुछ भी नहीं है एम है तो नाइन की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पर नाइन ही आएंगी तो मुझे यहाँ पर क्या कंसिडर करना है कि एक तो भी कैरी जनरेट होना चाहिए ताकि यहाँ की वैल्यू जीरो हो जाए यानी कि ओ की वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए देन कैरी जनरेट हो जाए तो इस तरीके से मैंने इसको सेटिस्फाइड किया है ओके okay? समझा आप सभी को यस yes? किसी को नहीं समझा ऐसा कोई है बेटा सर इसमें तो एस की वैल्यू ऑलरेडी एट दिया है है तो इजी है, बट हाँ यहां पर एज्यूम किया था एस की वैल्यू एट दिया हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एच ओ ठीक है इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और थोड़ा सा हमको इजी वे के हिसाब से या हेल्पिंग के हिसाब से हमको यहाँ पर वैल्यू दी होती है लेकिन यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन है उसमें बहुत बार वैल्यू दी होती है नहीं भी दी होती है अभी तो मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था लेकिन वैल्यू दी थी यहाँ पर इसकी वैल्यू इफ अगर दो सिंबल का भी वैल्यू हमको यहाँ पर देते तो हम हमारा जो एंसर है जो सॉल्विंग जो स्पीड है वो हमारी बढ़ जाती है देन हम लोग इस तरीके से उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं मान के चलो यहाँ पर आर की वैल्यू कंसिडर किया होता कि uh, जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू फाइव है अगर फाइव दिया होता तो हम लोगों को ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी फाइव की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी फाइंड है एस की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है तो हम लोग उसको डिफाइन करके चलते हैं बराबर है कि नहीं सो दिस इज द आस्किंग द मोर देन टू और थ्री टाइम्स इन द एग्जामिनेशन वॉट डू मीन बाय सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्रिप्ट अरेथमेटिक प्रॉब्लम गिवन बिलो Okay, make suitable example like cross road is equal to danger crossroad is equal to danger in you uh, asking the summer 18 and one another questions are same questions are asking in the university uh, examination summer 16 explain constraint the satisfaction problem with respect to the crypt arithmetic problem is given below send plus more is equal to money. Okay, so ये जो क्वेश्चन सेट्स है मैं यहाँ आप लोगों को सेंड कर दूंगा साथ ही साथ में इसके जो नोट्स है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है जैसे कि दिस इज हियर ये जो दो वैल्यूज है यहाँ पे दिस वैल्यू एंड इज वैल्यू इज इक्वल टू हियर वैल्यू ओके यहाँ पे दो कंस्टेंट दिए हुए है क्रिप्टरथमेटिक के लिए दिस इज हियर तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है प्रॉब्लम ये नोट्स मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ सके ठीक है इफ एनी यस यस सर पूछो सर क्वेश्चन नंबर वन में जैसे वैल्यू नहीं दी थी किसी एक की भी लाइक एस इक्वल्स टू एट और वॉट तो हाँ. उसमें तो वेरी कर सकता है ना आंसर नहीं यहाँ पर mean. आप सभी फ्रेंड्स अगर मिलकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा यही यहाँ रूल्स में लिखा हुआ है कि इसके जो आंसर्स है वो यूनिक होते हैं क्योंकि अगर मैं ई e की वैल्यू यहाँ पर सिक्स रखता हूं तो यहाँ पर ये सेवन हो जाना चाहिए अगर ये सेवन हो जाता है तो ये डी की वैल्यू कहीं ना कहीं एट हो जाएंगी अगर ये एट हो जाता है तो आर की वैल्यू कहीं ना कहीं एट, एट की जगह कुछ और नंबर से रिप्लेस हो जाएगा यानी कि ये एक यूनिक कोड है ये यूनिक वैल्यू यहाँ पर हमको तो कंसट्रेशन करनी पड़ती है यहाँ पर आंसर जो है वेरी नहीं होगा हाँ इसकी जो आंसरिंग का जो टाइमिंग है वो वेरी हो सकता है किसी का आंसर वन मिनट में मिल सकता है किसी को टू मिनट्स में मिलेगा किसी को टेन मिनट्स में मिलेगा बट आंसर इज नॉट वेरी ओके और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कैरी वैल्यू को वन कंसिडर करके चलते हैं ताकि हम लोग नियर अबाउट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है AI में आर्टिफिशियल कि कि किसी को कंसिडर करके चलना पड़ता है किसी वैल्यू को करके चलना पड़ता है दैट इज यूजिंग द वैल्यू उसको अनुमान लगा के चलना पड़ता है कि ये वन है देन फिर उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी सिम्बॉल्स है उसको हम लोग यूज करते हैं वन मिनट रिमेनिंग है कुछ और पूछना है यहाँ पे हम लोग बस पूछो स्टॉप हो सकता है लिंक स्टॉप हो जाएंगी बेटा यहां पर इसकी प्रैक्टिस करना है आपको ठीक है